अपने स्प्रे पेड़ से मिलाना चाहती हूँ, जिससे देख के आप पहचान ही गए किस चीज़ का पेड़ है। ये पारिजात का पेड़ है, इसे हरसिंगार भी बोला जाता है और बंगाल में तो इस शिवली का फूल बोलते हैं इसे। हम लोग इसे शिवली के फूल से ही इसको जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं इसका मौसम यही सितंबर अक्टूबर में, इस पर छोटे छोटे से कली आना शुरू हो जाते हैं। फूल का मौसम यही है, ठंड के समय ही सिर्फ फूल आते हैं। हम लोग तो इसे दुर्गा पूजा के समय ही स्पेशल इस मानते हैं कि फूल आता है, जिसे दुर्गा माँ को हम लोग चढ़ाते हैं। तो आप तो देख रहे हैं कि मेरे हर एक टहनी में, आप देख रहे होंगे, हर एक में कली आना शुरू हो गया है। ये देखिए, ये तो अब मेरे ख्याल से कल कल तो खिल ही जाएंगे ये फूल। पहला सीजन, इस सीजन का पहला फूल होगा ये। आप हर एक टहनी में देखिएगा फूल है, देखिए ये देखिए, छोटे छोटे से पहचान में आ ही जाता है। हर एक में आप देखेंगे कि फूल आएगा। ये मेरे करीब 7-8 साल पुराना पेड़ है ये। आप देख रहे होंगे इसके टहनी, नीचे का तना देख के पता चल जाएगा कि पुरानी सी पेड़ है ये। और इसे ग्रो करना सबसे आसान है इसके बीज। आप फूल को उसी पेड़ में आप छोड़ दीजिए ना, उसमें बीज बन जाता है ये। और बीज जब एकदम ड्राई सूख जाए, बिल्कुल ब्राउन कलर का हो जाए, उसके बाद आप उसे मिट्टी में लगाएं तो आपका एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि हमारे ये अपने से गिर के ये इसमें छोटे छोटे दो पौधे हमारे तैयार हो गए। इसके अलावा भी 2-3 अलग से गमले में है पौधे, जिसको मैं अलग से लगाऊंगी। और इसमें ज़्यादा वैसे कुछ खाद और ये मेहनत की ज़रूरत है नहीं। आप एक बार अगर बड़े से टब में, लेकिन हाँ लगाना पड़ता है, क्योंकि ये पौधा बड़े बड़े रूप लेने वाली पौधा है। इसको आप ज़मीन में जितना ज़्यादा आप देखे होंगे, ज़मीन में रहता है जितना बड़ा उतना ज़्यादा अच्छा सा फूल भरा हुआ होता है। और खुशबू तो इसकी पूछी ही नहीं, कितना खूबसूरत बढ़िया सा खुशबू इसका, मीठा मीठा सा। इसकी खुशबू को लेने के लिए आपको रात में ही आकर के इसकी खुशबू लेना पड़ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसकी मिट्टी बिल्कुल ही, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप गोबर खाद, पत्ती, सब्जी, फल के छिलके यही सब मैं डालती हूँ, उससे ज़्यादा मैं और ज़्यादा कुछ नहीं डालती पेड़ पौधे में। मैं केमिकल से अपने पौधों को दूर रखती हूँ। ज़्यादा कुछ ज़्यादा हो नीम पत्ते की चीटी, हाँ इसमें चीटी लग जाती है, तो इसलिए आप नीम के पत्ते अगर हो तो तोड़ के इसमें डाल दें, उसे पाउडर बना के, या उसके पानी, नीम पत्ते के पानी को आप वो गर्म करके पत्ती को बना करके उसका नीम का स्प्रे भी आप कर सकते हैं पानी का। तो आप देख रहे हैं मेरे पारिजात के पौधे, तो फ्रेंड्स कैसा लगा बताइएगा। और आप भी कोशिश करिए, आप वैसे अधिकतर आप इस बार तो पारिजात के पौधे ही बहुत स्पेशल हो गए हैं, जब से अयोध्या में राम मंदिर के लिए लगाया गया है, तो इसलिए आप भी कोशिश करिए पारिजात का पेड़ लगाने को। और इसकी खुशबू तो कमाल की है, कोशिश करें ज़रूर लगाने को और खुशबू का आनंद लीजिए। थैंक यू, लाइक।